guys, welcome back to my channel Calls Books and Bites. My name is Mohita and I make food and book related videos on this channel. और अभी फिलहाल मैं आई हूँ नाशिक. बहुत प्यारी सिटी है, बहुत ग्रीन सिटी है, also known as the grape city of Maharashtra. I'm going to be here at my sister-in-law's house. This is my nephew Akshay and I'm going to spend some time with him. And at the same time, I'm also going to show you all the wonderful eateries that are there around this beautiful city of Nashik. In today's episode, I'm actually taking you to this chicken and mutton thali place, jiska naam hai Divtya Budhlya Wada. Iske do branches hai, but hum badi wali branch mein jane wale hai, jo thodi si nahi hai. And apparently, is mutton aur chicken thali ki taste badi achhi hai. So, Divtya Budhlya mein hume milti hai ek traditional Maratha style jo preparation hota hai, chicken aur mutton gravies ka, और सब्जीज़ का, उसी टाइप का खाना आज हम खाने वाले हैं. द वेदर इज़ परफेक्ट फॉर दिस काइंड ऑफ फूड बिकॉज अभी अभी बारिश होके गई है तो काफ़ी कूल है. एंड दैट्स व्हाट वी आर गोना हैव फॉर लंच टुडे. लेट्स गो. आई एम जस्ट एंटरिंग Divtya Budhlya Wada. जो दूसरी ब्रांच है इसका नाम है सिर्फ Divtya Budhlya. बहुत प्यारी प्लेस है, इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, सब कुछ वुडन फर्नीचर है, वेरी वेरी क्लोज टू नेचर. और जैसे पुराने ज़माने में जिस तरह के घर होते थे उसी हिसाब से ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट बनाया गया है. आई एम जस्ट लविंग द एम्बियंस ऑफ दिस प्लेस. इतना ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, इतना बढ़िया लग रहा है. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई टेबल. एंड फॉर एपेटाइजर्स वी आर स्टार्टिंग विद दिस लवली मटन पाया सूप. बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है. इट्स वॉर्म. वाओ, दिस इज़ नाइस. वैसे फ्लेवर बहुत हल्का होता है, सारा मज़ा उस मटन के ब्रॉथ का होता है इसमें, मोर देन एनीथिंग एल्स. वाओ, थोड़ा हल्का ज़्यादा सॉल्टी, वेरी वेरी लाइट इन पेपर. आई एम गोइंग टू टेक अ बाइट ऑफ दैट जेलेटिनस मटन. Wow, this is so good. It's gelatinous, it's very very hot. हल्का सा जो slimy texture होता है मटन का वो वाला है, लेकिन बहुत अच्छा है. अंदर तक अभी भी इतना ज़्यादा गर्म है. It is just pulling off the bone with the gentlest of efforts. Did you see it? Look at that. So what you do is ऐसे हाथ पे इसको थोड़ा सा झटक के इसमें से बोन मैरो इस तरह से निकलता है. एंड जिस तरह से ये निकला है मुझे बता रहा है कितने अच्छे ढंग से कुक हुआ है. इट्स सो सॉफ्ट, सो जेंटल इन फ्लेवर, इट्स ब्यूटिफुल. हमारे पास मटन थाली आ चुकी है एंड इट्स क्वाइट लार्ज वैसे फॉर अ सिंगल पर्सन. दिस इज़ अ लिमिटेड मटन थाली. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी गेट इन दिस इज अ मटन कीमा. फिर उसके साइड में जो है वो है मटन सूखा. डीप ब्राउन वाली हल्की सी ग्रेवी है इस पर. एंड देन वी ऑल्सो गेट वन अंडा करी इन दिस. तो ये वाली जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी पतली नज़र आ रही है. एंड देन ऑफकोर्स द स्टार ऑफ द थाली इज़ द मटन करी. एंड टुडे वी हैव अ डिफरेंट भाकरी. दिस इज़ द बाजरे की भाकरी. और इस थाली के साइड में इन्होंने हमें दिया है, दिस इज़ आउट ऑफ द थाली, यहाँ पे इन्होंने हमें दिया है एक मटन कलेजी सुका या फ्राई कह सकते हैं इसको. और एक दिया है मटन इन ग्रीन ग्रेवी. तो इसमें ऐसा है कि ये जो मटन थाली है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है, बट दिस वन द मटन इन ग्रीन ग्रेवी थोड़ी माइल्ड है. अब मैं इस भाकरी को देख रही हूँ कैसी है. थोड़ी क्रम्बली है लेकिन सॉफ्ट है. दीज मटन पीसेस आर प्लेंटी. दिस इज़ अ मटन चॉप एंड दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू ट्राई. और सबसे पहली चीज़ जो मैं ट्राई करने वाली हूँ वो इस ग्रेवी की टेस्ट लेने वाली हूँ जस्ट ऑन इट्स ओन. मुझे ये भी देखना है कितनी स्पाइसी है बिकॉज मैंने सुना है बहुत स्पाइसी है. या इट इज स्पाइसी. इट हैज़ रेड चिली, ग्रीन चिली, बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट इट्स नॉट ओनली तीखा, इट इज़ ऑल्सो वेरी फ्लेवरफुल. मेरे ख्याल से ढेर सारा गरम मसाला भी है. It's warming up my entire throat from within. I'm just breaking into the bajri chi bhakri.
and dipping that into that rasta, the mutton ka rasta, and going for this bite of the bajri ki bhakri. Among the top 10 mutton rasas that I've ever had, I'm going in for this mutton piece right here. Dekhte hain. Oh, look at that. Look at that. I'm wow. Oh my god. It is just falling apart. It is so tender. I can just break it so easily between my fingers. And वैसे मटन की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है. अब ना ये जो मटन खीमा है, I'm going to try it with that. Let's mix it up a little. Bring out the gravy from within. Oh, काफ़ी glisten कर रही है और oils ऐसे separate हो चुके हैं. इसका मतलब है जो प्याज और टमाटर का base है इसके अंदर डला हुआ, वो बहुत time के लिए cook करके रखा है. एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ मटन इन साइड. मतलब कई बार ऐसा होता है कि मसाला ज़्यादा होता है, एक्चुअल मटन के पीसेस कम होते हैं. वाओ, आई एम जस्ट ट्राइंग द एग एंड सम ऑफ दैट करी. बॉस, इनकी करीज आर माइंड ब्लोइंग. बहुत ही एक कंट्री साइड रस्टिक फील है इन सारी करीज को. द सेकेंड भाकरी इज हियर. दिस इज माई फेवरेट बाय द वे. दिस इज द तंदूराची भाकरी और द राइस फ्लावर भाकरी. दैट इज़ हाउ सॉफ्ट इट इज़. ये टेक्स्चर की वजह से ये जो भी आपकी ग्रेवीज होती हैं, करीज होती हैं, उसे बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकती हैं. सो आई एम जस्ट पिकिंग अप दिस मटन फ्राई और मटन सूखा. देखिए, वाओ, आई एम जस्ट सो इन लव विद द वे दिस मटन इज कुक्ड. This is the sukka masala, but this one is green mutton masala. और इसे है ना, what I'm going to do is I'm actually going to place an onion ring with this. मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा धनिया है. Last thing मैं जो try कर रही हूँ वो है कलेजी. This is the one thing that I do not like all that much. मुझे pasty चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है. Yeah, so this one थोड़ी इसका जो टेक्सचर होता है वो मुझे कोई खास पसंद नहीं है. बट एनी वे, आई एम ट्राइंग इट. द मसाला इज ग्रेट. दिस इज इजिली वन ऑफ द बेस्ट मटन एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड. एवरीथिंग हियर इज सो अमेजिंग. राइट फ्रॉम द selection of the mutton itself to the quantity, of course the masalas that have gone, the cooking style, the preparation, everything has just come together so brilliantly. Lunch rice ke bina to khatam ho hi nahi sakta. White rice humne order kara hai aur ye hai Indrayani rice, which has recently become one of my favorite types of rice. Ye thoda sticky hota hai but at the same time it's fluffy, so it's like a very strange but wonderful combination, and plus it's also extremely aromatic. Aur pehla niwala lene wali hu main iska. This might sound strange, but मुझे मैगी मसाले की याद आ रही है. आई हैव नो आइडिया वाई. और राइस है ना, इस पूरे मसाले को, मतलब जो भी स्पाइस है उसे काफ़ी हद तक सब्ड्यू कर रहा है. वॉट आई लाइक इज इनके फ्लेवर्स ना बड़े क्लीन है. और एक इन्होंने हमें टेस्ट के लिए दिया है इनका भेजा फ्राई. भेजा फ्राई कैन बी ट्रिकी टू मेक एंड समटाइम्स आई लाइक इट, समटाइम्स आई डोंट. और मुझे बहुत ढेर सारे क्वांटिटीज़ में भेजा फ्राई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बट आई वॉन्टेड टू टेस्ट इट एनी वे. इट्स गुड. सो भेजा फ्राई इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट, लेकिन उसमें अगर मसाले अच्छे नहीं इस्तेमाल करते तो बहुत अजीब सी टेस्ट लगती है उसकी, बिकॉज बहुत पंजन सा होता है एंड बहुत ही सॉफ्ट होता है. मतलब मैं इसका टेक्स्चर आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट इट्स सुपरबली सॉफ्ट और यू डोंट रियली हैव टू च्यू ऑन इट. मतलब ऐसे आप डायरेक्टली निगल सकते हैं. द एक्सपीरियंस टुडे वॉज माइंड ब्लोइंग. फैंटास्टिक. सच अ वंडरफुल प्लेस फॉर फैमिली गेट टुगेदर्स, फ्रेंड गेट टुगेदर्स. अगर आपको रस्टिक कंट्री साइड फूड एट द सेम टाइम हेल्दी न्यूट्रिशियस ऐसा अगर फूड खाना है, इफ़ यू वॉन्ट अ वेरी नाइस महाराष्ट्रियन मराठा स्टाइल कुकिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे तो आपको आना ही पड़ेगा. इफ़ यू आर
in and around Nashik. This will be etched on my food memory for many more days to come. I'm pretty sure of that. थोड़ा सा गुड़ भी खा रही हूँ. So that was it for my very first food vlog in Nashik. If you enjoyed this one, definitely give me a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already, and don't forget to click on the notification bell icon, because every time I post a new video, you will get notified only if you click on the bell icon. Make sure you follow me on Instagram. My username is down below, and I will again see you in my next video next week. That also will be another Nashik food vlog. Until next time, bye.